छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस क्या छिड़ी, बात चार्मिंग पेस तक पहुंच गई। इसे लेकर अब दोनों पार्टी आमने सामने आ गई हैं। यही नहीं, इस मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी सामने आ चुका है और मामला सोनिया गांधी के दरबार में भी पहुंच गया। ये पूरा मामला है क्या, हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ बीजेपी सोशल मीडिया पर लबरा के डबरा नाम से लगातार सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर चला रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने खराब सड़क का एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सरोज पांडे अलकतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा कोरबा मार्ग की खराब हालत दिखा रही हैं। वे वीडियो में कह रही हैं कि गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उड़न खटोले से उड़ने वाले मुख्यमंत्री और उनकी सरकार आम जनों की पीड़ा कब समझेगी। हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड बेलौदा के ऊपर, इतने बड़े गड्ढे हैं और ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कहीं की रोड खराब नहीं है। इसी वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सरोज पांडे नाराज हो गई। पांडे के इस सड़क वाले वीडियो पर गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 30 सितंबर को विवादित बयान देते हुए ये कह दिया कि सरोज पांडे अपना चार्मिंग फेस दिखाते हुए वीडियो बनाती है, कभी हमारी चिकनी सड़क का भी वीडियो बनाए। डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे ने सरोज पांडे गड्ढे में रोड में चार्मिंग फेस डलवाई थी, ये रोड खराब है। तो कोई भी सड़क जो बनता है 20 किलोमीटर की सड़क है, जब उसको खोदते हैं तो गड्ढा तो होगा ना बनाने के लिए, तो उसको खोदो और उसी रात पूरा बन जाए तो होता नहीं। तो गड्ढे की जगह हम खड़े हो बनाना, वैसी कहीं अच्छा चिकना सड़क दिख रहा है वहां भी खड़े हो फोटो खींचो तो ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों। इस बयान के बाद प्रदेश में जमकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने इसे महिला अपमान से जोड़ते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं सरोज पांडे ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सरोज पांडे ने पत्र को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मातृशक्ति की आराधना के महापर्व में नारी शक्ति का अपमान करने वाले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और महिलाओं के प्रति कांग्रेस के संकीर्ण सोच पर कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब देना होगा। इस विवाद में अब राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हुई है। आयोग ने इस मामले पर साहू से लिखित में जवाब मांगा है। आयोग ने ताम्रध्वज साहू को माफी मांगने के लिए भी कहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।